या पानी जिनके हाथों पर वीणा हो वही सरस्वती है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। और कैलेंडर बनाने वाले लोग क्या कर देते हैं, थोड़ी सी गलती करते होंगे शायद, कहना होगा एक साथ गणतंत्र दिवस और साथ में सरस्वती पूजा, ज्ञान की देवी की पूजा भी होती है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग की इस बार 26-27 की जगह पे 28 हो गया है, वो बड़ी बात है। तो ऐसी सभी जगह यहाँ पर खेल होती आ रही थी, इस वजह से कोई बात नहीं, लेकिन खेल का शानदार प्रदर्शन भी होगा। चलिए जी, रसपोटी पूरी कलर की है लाल, और उनका मुकाबला जेज ब्रदर्स के बीच में, और टक्कर होने की पूरी उम्मीद करेंगे हम। और ये जगह बहुत सुनहरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन जरूर देंगी दोनों टीम को, फुल ऑक्सीजन। चलिए खिलाड़ियों का परिचय आप चाहेंगे, छोटे राजेंद्र कर्मा की ओर से, राजेंद्र कर्मा धन्यवाद गंगाराम पोतों, पेनल्टी के द्वारा एक नजर डालना जरूरी है, दो बड़ी टीमों के बीच एक सफल मैच का समापन, क्योंकि सफल इसलिए दोनों ही टीम अपने आप को बनाए रखे, फुल टाइम सिटी तक किसी एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई हावी नहीं, बराबरी का मुद्दा छिड़ा रहा अंतिम 20 मिनट के उस सत्र तक। नतीजा जो है अब तीन तीन अल्टरनेट पेनल्टी किक के माध्यम से यहां निकाला जा रहा है, पहला किक गोल हो चुका है सूरज से, सेकंड किक हालांकि युवराज की ओर से कृति डालेंगे, सामना करेंगे सौंप नहीं, बहुत ही सुपर से भी ऊपर किक हो रही है, ऐसा में बचाना काफी कठिन हर एक गोलकीपर के लिए, हालांकि अब की बारी मिस्टर दिगंबर जर्सी नंबर 13 सामना कर रहे हैं शिवशरण, और यहां सीधे हाथों में और बहुत बड़ी उपलब्धि शिवशरण दिगंबर की आती हुई उस शॉट को बाहर निकाल दिया है, और बहुत ही उम्मीद करा जा सकता है अब युवराज, थोड़ा सा निराशाजनक कहना होगा, सोका इंटरनेशनल दिगंबर का शॉट, हालांकि फ्रेम पर गेंद थी और पढ़ा है गेंद को, और एक्स्ट्रा टाइम आगे बढ़े, थोड़ा सा पहले तरफ एक कदम और पंच किए, इस तरह से बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। यहां पर युवराज का दूसरा शॉट होगा जर्सी नंबर 7 देवराज हास्पा करेंगे, सूरज सोए वहां मौजूद लेकिन कोई फायदा नहीं, दो एक की बढ़त हो गई है देवराज जर्सी के पास में, अब इक्वल करेंगे जरूर यहां पर दो, हालांकि अंतिम किक करा जाना बाकी होगा सेंटर फुल डिफेंडर मिस्टर कमलेश सोम को, अगर यहां बराबरी भी करते हैं तो भी एक शॉट बचा रहेगा युवराज के पास, यही बड़े विडंबना है, लेकिन शिवशरण अगर कुछ कारनामा यहां पे कर जाते हैं तो मैच यहीं पे फिनिश, दो गोल कर चुकी है टीम, चलिए कम से कम मैच में अभी भी बने हुए हैं, एक शॉट और हमें यहां पर इंतजार करना पड़ेगा, आप पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आएगा, अगर यहां पे युवराज की टीम गोल करती है तो निश्चित तौर पर अगले राउंड में और अगले प्रोसेस तक बने रहने के लिए अशोका इंटरनेशनल को चाहिए कम से कम चमत्कारी गोलकीपिंग का,
करना तो पड़ेगा चमत्कारी गोलकीपिंग सूरज सोई को, और समय समय में बहुत बार काफी कारगर साबित होते नजर आए हैं, क्या आज ही वो कारगर साबित होंगे? नियमित गोलकीपिंग तो नहीं करते हैं लेकिन समय पर कभी कभी गोलकीपिंग कर लेते हैं और वो गोलकीपिंग सक्सेस की ओर जाती है। अंतिम शॉट, मौका नहीं मिलेगा और इसी के साथ युवराज सिंह की टीम अगले राउंड में, और अशोका इंटरनेशनल को जाना पड़ेगा। गुड बाई।